हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष शर्मा फ्रॉम फैमिली डेंटल क्लिनिक गुवाहाटी। हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेसेस के बारे में कि लोग हमेशा पूछते हैं कि ब्रेसेस कैसा होता है, ब्रेसेस का कॉस्ट क्या होता है, ब्रेसेस कैसे लगता है, ब्रेसेस का प्रोसेस क्या होता है। बट कभी ये चीज़ सोचा है आपने कि ब्रेसेस लोग लगवाते क्यों हैं? व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्रेसेस? व्हाई डू पीपल गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट? वेल, बेसिकली देर आर टू मेन रीजन्स व्हाई पीपल गो फॉर ब्रेसेस। वन इज एस्थेटिक एंड अदर इज फंक्शनल। हमारे पास 90% या कह सकते हैं 99% पेशेंट्स जो आते हैं वो एस्थेटिक्स के वजह से आते हैं। एस्थेटिक्स मतलब जो दिखाओ, दिखते हैं हम जैसा दिखते हैं उसके ऊपर जो होता है एस्थेटिक्स, उस दैट इज़ व्हाट एस्थेटिक इज ऑल अबाउट। कि आपके दांत बाहर हैं, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपके दांत जो है वो स्पेसिंग है दांतों के बीच में, तो आपको दिखने में अच्छा ही लगता है वो चीज़। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई पीपल कम टू अस। बट देर इज़ वन मोर फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ फंक्शनल। अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बाहर हैं, स्पेसिंग है, या क्राउडिंग जिसे कहते हैं कि गैप कम है दांतों में, दांत आगे पीछे हैं, तो हमारे जो खाने पीने का फंक्शनिंग ऑफ द टीथ, दे आर द फंक्शंस ऑफ द टीथ आर ऑल्सो हैम्पर्ड। इसके वजह से क्या होता है कि लोग ढंग से खा नहीं पाते हैं, उनके गम्स वीक हो जाते हैं, गम से ब्लीडिंग होता है। इन सब चीज़ों का भी इलाज ब्रेसेस के थ्रू करा जाता है। सो व्हाट आई मीन टू सी से हियर इज दैट ब्रेसेस ट्रीटमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर लुक्स, इट इज़ ओनली ऑल्सो अबाउट फंक्शनिंग ऑफ योर टीथ। इट हेल्प्स टू फंक्शन योर टीथ इन अ प्रॉपर वे। सो द रीज़न वाई पीपल शुड गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, ऑफकोर्स they should go for braces treatment for the aesthetics, but also taking into consideration that they can eat properly, they can have a very healthy gums if they have a good braces treatment. So you can go for braces treatment at Family Dental Clinic and get smile with beautiful functioning also. Thank you so much.